वेलकम अगेन। हमारा चैप्टर लास्ट पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर फाइव थीम्स हिस्ट्री की बुक नंबर टू चल रही है जो आज खत्म हो जाएगी। आई एम श्योर आपने अच्छे से उसका रिवीजन किया होगा। ठीक है, अब हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। मुगल दरबार शासक पर केंद्रित दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया। इसका जो सेंट्रल पॉइंट था इस प्रकार राजसिंहासन अथवा तख्त था। ठीक है, जिसने संप्रभु के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान किया था। ऐसे एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी हुई थी, ऐसा माना जाता है। और सेंचुरी से भारत में राजतंत्र का प्रतीक रही छतरी शासक की कांति को सूर्य की कांति से पृथक करने वाली मानी जाती थी। इतिवृत्तों ने मुगल सम्रांत वर्गों के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाले नियमों की बड़ी सुस्पष्टता, मेरी अंग्रेजी हिंदी खराब हो गई है, के सामने रखा है। दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना पास और दूर बैठा है। ठीक है, मतलब कि अगर ये रूलर है, इधर 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 बैठे लोग होते थे, तो अगर ये बंदा है पास में बैठा सबसे ज्यादा, तो इसकी सबसे ज्यादा पावर है, इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम है, जो सबसे दूर बैठा उसकी सबसे कम है। इसलिए किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिए गए स्थान बादशाह की नजर में उसकी महत्ता का प्रतीक था। स्थान उनको कौन देता था? शासक, जो रूलर था, किंग। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी, और ना ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था। मैं सोच रहा हूँ यार, उस टाइम उन्होंने वॉशरूम जाना होता, कैसे क्या करते होंगे, हमारे तरह उंगली दिखाते होंगे, एक नंबर से दो। चलो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है यार। दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार दरबार में मान्य संबोधन शिष्टाचार और बोलने के ध्यानपूर्वक निर्धारित किए गए नियमों द्वारा होता था। शिष्टाचार का जरा सा भी उल्लंघन होने पर ध्यान दिया जाता था और उस व्यक्ति को तुरंत ही दंडित किया जाता था। शासक को किए गए अभिवादन के तरीके से पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत ज्यादा ऊंची मानी जाती थी। आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। ठीक है, सिजदा मतलब कि सर झुकाना और दंडवत लेटना जो हम आजकल करते हैं, शाहजहां के शासन काल में इन तरीकों के स्थान पर चार तस्लीम तथा जमा वसीन यानी कि जमीन चूमना के तरीके अपनाए गए थे। मुगल दरबार में राजनयिक दूतों संबंधी न्यायचारों में भी ऐसी ही सुस्पष्टता थी। मुगल बादशाह के समक्ष प्रस्तुत होने वाले राजदूत से ये अपेक्षा की जाती थी कि भाई वह अभिवादन के मान्य रूपों में से एक या तो वह बहुत झुककर अथवा जमीन को चूमकर अथवा फारसी रिवाज के मुताबिक छाती के सामने हाथ बांधकर तरीके से इन तरीके से अभिवादन करेगा। तो जेम्स वन के अंग्रेज दूत थॉमस रो ने यूरोपीय रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया और इसके बाद बैठने के लिए कुर्सी का आग्रह कर पुनः दरबार को अचंभित कर दिया था उस टाइम। तो बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से करता था और उसके बाद वह पूर्व की ओर मुंह कर किए एक छोटे छज्जे अर्थात झरोखे में आता था। इसके नीचे लोगों की भीड़, सैनिक उसमें रहते थे, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, बीमार बच्चों के साथ औरतें बादशाह की एक झलक पाने के लिए इंतजार करती थी। अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की प्रथा, अकबर ने शुरू की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार देना था। मतलब जितने लोग आगे नीचे उन सबको एक्सेप्टेड नहीं हमारे जो भी है। तो यहाँ पे देखो कॉर्निस औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी दाएं हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सर झुकाते थे और यह इस बात का प्रतीक था कि कॉर्निस करने वाला व्यक्ति अपने इंद्रिय और मन के स्थल को हाथ लगाते हुए झुककर विनम्रता के साथ शाही दरबार में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। अभिवादन का चार तस्लीम तरीका दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होता था। सबसे पहले दाएं हाथ रखो, इसमें तलहती ऊपर की ओर होती है। इसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता है तथा तलहती को सिर के ऊपर रखता है। ऐसी तस्लीम चार बार की जाती है। तस्लीम का शाब्दिक अर्थ आत्मनिवेदन है, वही तकलिया जो करते हैं ना हाथों से ऊपर नीचे। सब ए बारात हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने अर्थात 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि है। भारतीय सब कॉन्टिनेंट में प्रार्थनाओं और आतिशबाजियों के खेल द्वारा इस दिन को मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस रात मुसलमानों के लिए आगे आने वाले वर्ष का भाग्य निर्धारित होता है और पाप माफ कर दिए जाते हैं। कौन सा? सब ए बारात। ठीक, अब यहाँ पे बताया गया है रतन जड़ित सिंहासन, क्राउन थ्रोन। तो आगरा महल के सार्वजनिक सभा भवन में रखे शाहजहां के रत्न जड़ित सिंहासन तख्त ए मुस्सा मुरस्सा, उसके बारे में बादशाह नामा में लिखा गया हुआ है कि
सिंहासन की भव्य संरचना में एक छतरी है जो द्वादश कोणीय स्तंभों पर टिकी हुई है, ठीक है, ऐसे जो कोण है पर टिकी हुई है। इसकी ऊंचाई सीढ़ियों से गुंबद तक 5 क्यूबिट लगभग 10 फुट है। अपने राज्यारोहण के समय महामहिम ने यह आदेश दिया कि 86 लाख रुपीज के रत्न और बहुमूल्य पत्थर और 1 लाख तोला सोना जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है उससे इसको सजाओ भाई। सिंहासन की साज सज्जा में 7 साल लगे इसकी सजावट में प्रयुक्त हुए। बहुमूल्य पत्थरों में रूबी था, रूबी इज अ टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ स्टोन, ठीक है ध्यान रखना, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी और जिसे शाह अब्बास सफावी ने दिवंगत बादशाह जहांगीर को भेजा था। इस रूबी पर महान बादशाह तिमूर साहिब एक ईरान, मिर्जा शाहरुख, मिर्जा उलूक बेग और शाह अब्बास के साथ साथ अकबर, जहांगीर और स्वयं महामहिम के नाम अंकित थे। ठीक है, ये देखो स्टैक भाई, ये सॉरी, तो झरोखे में 1 घंटा बिताने के बाद 1 घंटा बंदा खड़ा रहता था। उसके बाद शाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु सार्वजनिक सभा यानी कि दीवाने आम हाउस ऑफ द पीपल में आता था। वहां राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते, काइंड ऑफ लोकसभा बोल सकते हो, तथा निवेदन करते थे। दो दो घंटे बाद बादशाह दीवाने खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था। राज्य के वरिष्ठ मंत्री उसके सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे और टैक्स ऑफिसर हिसाब का ब्यौरा देते थे। कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों अथवा वास्तुकारों जो मीमार थे उनके द्वारा बनाए गए इमारतों के नक्शे भी देखता था, कहाँ पे दीवाने खास में, क्योंकि वहां पे खास काम होते थे। सिंहासनारोहण की वर्षगांठ मतलब कि जो उन्होंने क्रम बनवाया था उसका बर्थडे था बोल सकते हो। ईद, शबे बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत हो उठता था। सजे हुए डिब्बों में रखी सुगंधित मोमबत्तियां और महल की दीवारों पर लटक रहे रंग बिरंगे बंधनवार आने वालों पर आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ते थे। मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्योहार मनाया करते थे, सूर्य वर्ष, चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन और बसंत आगमन पर फारसी नव वर्ष मनाया जाता था। ये इस टाइप से मनाया जाता था उस टाइम पे, फारसी को छोड़ दिया गया, फारसी नव वर्ष। शाही परिवारों में विवाहों का आयोजन काफी खर्चीला होता था। 1633 में 1633 में दारा सिको और नादिरा राजकुमार परवेज की पुत्री थी। उनके विवाह की व्यवस्था राजकुमारी जहां आरा और दिवंगत महारानी मुमताज महल की प्रमुख नौकरानी सती उन निशाखानुम द्वारा की गई। तो शादी के उपहारों के प्रदर्शन की व्यवस्था दीवाने आम में की गई थी, जिसको बोलते हैं हमारा दहेज। बादशाह तथा हर्म की स्त्रियां दोपहर में इसे देखने के लिए आई तथा शाम के समय अभिजात यहाँ आए। दुल्हन की मां ने भी इसी तरह उसी विशाल कक्ष में उपहारों को सजाया था। शाहजहां इन्हें देखने के लिए वहां गया। हिनाबंदी मेहंदी लगाना की रस्म दीवाने खास में अदा की गई थी। दरबार में उपस्थित व्यक्तियों के बीच पान, इलायची तथा मेवे बांटे गए। विवाह पर कुल 32 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसमें 6 लाख रुपए शाही खजाने से, 16 लाख रुपए जहां आरा यानी कि मुमताज महल द्वारा आरंभ में अलग से रखे रुपयों को मिलाते हुए बताया गया था, और शेष दुल्हन की मां के द्वारा दिए गए थे। तो बादशाह नामा से लिए गए इन चित्रों में इस अवसर से जुड़ी कुछ गतिविधियों को दिखाया गया है, देख लेना। अब बात करते हैं नवरोज। नवरेज जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तोला जाता था तथा बाद में ये वस्तुएं दान में बांट दी जाती थी। मतलब कि अगर कोई एक तराजू है तो इधर किंग बैठा है और इधर उसके इक्वल वेट का सोना चांदी या फिर कुछ भी आइटम, वो तोला जाएगा और फिर बाद में वो दान दे दिया जाएगा। तो पदवियां, उपहार और भेंट के बारे में बात करते हैं। तो राज्याभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियां ग्रहण करते थे। उद्घोष को इनके नकीब द्वारा जब इन गुंजायमान और लयबद्ध पदवियों की घोषणा की जाती थी तो वे सभा में विस्मय का माहौल बना देती थी। मुगल सिखों पर राजसी नयाचार के साथ शासनरत बादशाह को पूरी पदवी होती थी। अपने मूवी देखी होगी ना जोधा अकबर, तो उसमें बोला था, वो तो गाना आता है ना, वो सॉन्ग के बाद बोलता है कि आपको हम अकबर के नाम से पुकारना चाहते हैं सर।
एक सेकेंड, यार थोड़ा जुकाम हो गया। तो योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राज्यतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। दरबारी पदानुक्रम में किसी व्यक्ति की उन्नति को उसके द्वारा धारण की जाने वाली पदवियों से जाना जाता सकता था। वही आज के टाइम में ये होता रैंक वाइज। हाईएस्ट मिनिस्टर्स में से एक को दी जाने वाली आसफ खान की पदवी का उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुआ था। औरंगजेब ने अपने दो उच्च पदस्थ अभिजातों जयसिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की। वेरी इंपॉर्टेंट, जयसिंह और जसवंत सिंह इन दोनों को मिर्जा राजा पदवियां या तो अर्जित की जा सकती थी या अथवा इन्हें पाने के लिए सर पैसे दिए जा सकते थे। मीर खान ने अपने नाम में आलिफ अर्थात आ अक्षर लगवाकर उसे अमीर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रपोजल दिया था। अन्य पुरस्कारों में सम्मान का जामा खिल्लत भी शामिल था, जिसे पहले कभी ना कभी बादशाह द्वारा पहना हुआ होता था, इसलिए यह समझाता था कि बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक है। सरप्पा क्या होता, सर से पांव तक एक अन्य उपहार था। इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे, जामा यानी कपड़ा पहनने वाला बॉडी पे, पगड़ी सर वाला, और पटका यानी कि कंधे पर डालने वाला। तो बादशाह द्वारा अक्सर रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार के रूप में दिए जाते थे। बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह कमल की मंजरियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट जिसको बोलते हैं पद्म रस्सा भी उपहार में प्रदान करता था। एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था। वह या तो नजर या नजराने के रूप में थोड़ा धन या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह को पेश करता था। राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। राजदूत प्रतिद्वंदी राजनयिक राजनीतिक शक्तियों के बीच संधि और संबंधों के जरिए समझौता करवाने के महत्वपूर्ण कार्य को संपादन करते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में उपहारों की महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक भूमिका होती थी। टॉमस रो को इस बात से बहुत निराशा हुई कि उसने आसफ खान को जो अंगूठी भेंट की थी वह उसे केवल इसलिए वापस कर दी गई क्योंकि वह मात्र 400 रुपए की थी। बोले सस्ता आइटम तुम दे रहे हो, हम नहीं लेंगे। शाही फैमिली है तो भाई हरम शब्द का प्रयोग प्राय मुगलों की घरेलू दुनिया को एक संकेत करने के लिए होता है। ये शब्द फारसी से निकला है, इसका तात्पर्य है पवित्र स्थान, हरम मतलब होली प्लेस। तो मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां, उसके नजदीकी और दूर के रिश्तेदार जो भी थे, वह महिला परिचिकाएं तथा गुलाम होते थे। बहुविवाह प्रथा भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर शासक वर्गों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। मतलब जो किंग लोग थे वो बॉय मैरिज करते थे। राजपूत कुलों एवं मुगलों दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनाने व मैत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका था। विवाह में पुत्री को भेंट स्वरूप दिए जाने के साथ प्राय एक क्षेत्र व्यापार में दे दिया जाता था, ठीक है। इससे विभिन्न शासक वर्गों के बीच पदानुक्रम संबंधों की निरंतरता सुनिश्चित रहती थी और इस तरह के विवाह और उनके फलस्वरूप विकसित संबंधों के कारण ही मुगल बंधुता के एक व्यापक तंत्र का निर्माण कर सके। इससे वे महत्वपूर्ण वर्गों से जुड़े और उन्हें एक बृहद साम्राज्य को इकट्ठा रखने में मदद मिली। तो जब मुगल परिवार में शाही परिवार से आने वाली लेडीज होती उनको बेगम कहते हैं और अन्य स्त्रियों को अगहा कहा जाता है, ठीक है। जो तब अच्छी हाई एलीट क्लास फैमिली से आ रही है उनको बोलते थे बेगम, और जो अदर लेडीज होती थी उनको अगहा बोलता जाता था। तो जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था उनमें अंतर रखा जाता था कि मेहर के रूप में अच्छा खासा नकद और बहुमूल्य बस्ती लेने के बाद विवाह करके आई बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से अगहाओं की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और उनको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता था। राजतंत्र से जुड़े महिलाओं के पदानुक्रम में उपपत्नियों यानी कि अगाचा की सब स्थिति सबसे निम्न थी। इन सभी को नकद मासिक भत्ता तथा अपने अपने दर्जे के हिसाब से उपहार मिलते थे। वंश आधारित पारिवारिक ढांचा पूरी तरह परमानेंट नहीं था। यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से ही 4 पत्नियों ना हो तो अगाहा और अगाचा भी बेगम की स्थिति पा सकती थी, मतलब ऐसे भी हो सकता था। प्रेम तथा मातृत्व तो ऐसी स्त्रियों को विधि सम्मत विवाहित पत्नियों के दर्जे तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिला तथा पुरुष गुलाम होते थे, ठीक है। पत्नियों के अलावा मुगल परिवार में अनेक महिला और पुरुष गुलाम भी होते थे। वे साधारण से साधारण कार्य से लेकर कौशल निपुणता तथा बुद्धिमता के अलग अलग कार्यों का संपादन करते थे। गुलाम हिजड़े परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर और व्यापार में दिलचस्पी लेने वाली महिलाओं के एजेंट, ठीक है। नूर जहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय सोर्सेस पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। तो शाहजहां की पुत्रियों जहां आरा और रोशन आरा थी उनकी बेटी, उनको ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी।
इसके अतिरिक्त जहांआरा को सूरत के बंदरगाह नगर, जो कि विदेशी व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था, उससे राजस्व मिलता था। तो जो रिसोर्सेस थे उस पर कंट्रोल, मुगल परिवार की महत्वपूर्ण लेडीज को इमारतों व बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया गया था। जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहांबाद दिल्ली की कई वास्तु कलात्मक परियोजना में हिस्सा लिया। इनमें से आंगन व बाग के साथ एक दो मंजिली भव्य कारवां सराय थी। ठीक शाहजहांबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनवाई, जो चांदनी चौक आज की दिल्ली में है, उसकी रूपरेखा जो काइंड ऑफ यू मैप यू नो जहां आरा ने बनवाया है। गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई रोचक पुस्तक हुमायूं नामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने, तो उसमें लिखा है कि हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। तो यहाँ से ही होता है हुमायूं यानी कि होम, ऐसा ट्रिक बना सकते हो। इसमें लिखी है मुगल्स की फैमिलीज के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो हुमायूं नामा में है। तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन और अकबर की फूफी थी, लेडी है। तो गुलबदन स्वयं टर्की तथा फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी। तो जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया, तो उसने अपनी फूफी से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले संस्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया, ताकि अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी गलती को पूरा कर सके। गुलबदन ने जो लिखा वह मुगल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं थी, बल्कि उसने राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले स्ट्रगल और टेंशन्स के साथ ही इनमें से कुछ संघर्षों को सुलझाने में परिवार की उम्र दराज स्त्रियों की जो इम्पोर्टेंस थी उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, हुमायूं नामा में। तो अब बात करते हैं शाही नौकरशाही। तो भर्ती की प्रक्रिया तथा पद कैसे होता था, कि जैसे आज के दिन भर्ती होती होती ना आर्मी वगैरह में, उस टाइम पे क्या होता था। मुगल इतिहास विशेषकर अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने साम्राज्य की ऐसी कल्पना की दी जिसमें क्रिया और सत्ता लगभग पूरी तरह से एकमात्र बादशाह में निहित होते हैं, क्या लिखा है, होती हैं, जबकि शेष राज्य को बादशाह के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्रदर्शित किया गया। किंतु मुगल राजतंत्र के बारे में इन इतिहासों से प्राप्त समृद्ध जानकारी को हम ध्यान से देखें, तो हम उन मेथड्स को समझ सकते हैं जिनसे कई भिन्न डिफरेंट टाइप्स के संस्थाओं पर आधारित जो भी शाही संगठन प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में सक्षम हुआ। मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है इसके अधिकारियों का दल, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते थे। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न निर्जातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी। इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। मुगलों के अधिकारी वर्ग के गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, मतलब जो अफसर्स का जो भी होता था उनको बोलते थे गुलदस्ता। जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए थे, साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में प्रजन्न थे। इनमें से कुछ हुमायूं के साथ भारत चले आए थे, कुछ अन्य बाद में मुगल दरबार में आए थे। 1560 से आगे भारतीय मूल की दो शासकीय समूह राजपूतों व भारतीय मुसलमानों ने शाही सेवा में प्रवेश किया। इनमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा था, और जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। ठीक है, शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी पदोन्नत किया जाता था। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल का है, जो खत्री जाति का है, मतलब कि लो क्लास जाति उस टाइम। जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूर जहां ईरानी थी। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। ठीक है, फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे अच्छी खासी संख्या में थे। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में दो तरह के संख्या विषयक ओहदे रहते होते थे, कि जात शाही पदानुक्रम में अधिकारी मनसबदार के पद और वेतन का भी सूचक था, और सभा यह सूचित करता था कि उससे सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित था। 17th सेंचुरी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार अभिजात उमरा, जो कि अमीर का बहुवचन है, कहे गए। सैन्य अभियानों में ये अभिजात अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे, तथा प्रांतों में वे साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में भी काम करते थे जो भी थे। ठीक है, प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवारों को भर्ती करता था। ठीक है, कमांडर होता है वो घुड़सवारों को भर्ती कराता है, उन्हें हथियारों आदि में लैस करता था, यानी कि उनको ट्रेनिंग देता था। घुड़सवारी फौज मुगल फौज का अपरिहार्य अंग थी, वेरी इंपॉर्टेंट, घुड़सवारी।
ये आपने एक जगह और देखी होगी, याद करो पिछली मैंने आपको इसी 12th क्लास मतलब बुक नंबर 2 में ही बताया कि घुड़सवारी ज्यादा फेमस थी, आई थिंक 1 या 2 क्लास पीछे होगी। घुड़सवार सिपाही शाही निशान से पार्श्व भाग में धागे के उत्तर श्रेणी के घोड़े रखते थे। निम्नतम ओहदों के अधिकारी को छोड़कर बादशाह स्वयं सभी अधिकारियों के ओहदों पदवियों और आधिकारिक नियुक्तियों के बदलाव का निरीक्षण करता था। मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य यानी कि उनको मुरीद बोलते हैं जो डिसेपल होते हैं की तरह मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए थे। ये अभी हम पढ़ते हैं उससे ऊपर इसको पढ़ते हैं। मुगल अभिजात वर्ग क्या होता है? चंद्रभान ब्राह्मण ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान लिखी अपनी पुस्तक चार चमन यानी कि चार बाग में मुगल अभिजात, तो चंद्रभान ब्राह्मण था, चंद्रभान ब्राह्मण था, उसकी एक बुक है चार चमन, चार चमन, चार चार से चंद्रग्रहण, सॉरी चंद्रग्रहण चंद्रभान उन्होंने लिखी, ठीक है। तो विभिन्न जातियों जो भी ये जातियां दे रखी हैं के लोगों, वस्तुतः सभी समाजों में विभिन्न समूहों और श्रेणियों के लोगों को शाही दरबार में आश्रय प्राप्त हुआ। भारत से विभिन्न समूहों ज्ञान और शिल्प में निपुण व्यक्तियों के साथ साथ योद्धाओं, उदाहरण के लिए बुखारी बकरी वंश के सैयद, अभिजात वंश के शेख ज्यादा लोधी रोहिल्ला यूसुफ चाई वगैरह वगैरह, ठीक है, बहुत सारी थी। और अन्य सभी भारतीय जनजातियां जो तलवार चलाती थी, वह 100 से 7,000 जात के मनसब, घास के मैदान और पर्वतीय भागों के भूस्वामी, कर्नाटक बंगाल वगैरह के सभी क्षेत्रों से सभी जनजातियों और समूहों को शाही दरबार को चूमने अथवा रोजगार पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस टाइम। अच्छी खासी बेरोजगारी नहीं थी वहां पर। दरबार में अभिजात कहते कि अकबर के दरबार में ठहरा हुआ जेसुइट पादरी फादर एंटोनियो मॉन्सरेंट, उन्होंने ये बोला है कि सत्ता के बेधड़क उपयोग से उच्च अभिजातों को रोकने के लिए राजा उन्हें दरबार में बुलाता है और निरंकुश आदेश देता है कि जैसे कि वे उसके दास हों। इन आदेशों का पालन उन अभिजातों के उच्च ओहदे और हैसियत से मेल नहीं खाता। तजीब एक अभिजात द्वारा बादशाह के सामने प्रस्तुत की जाने ऐसी याचिका थी जिसमें किसी उम्मीदवार को मनसबदार के रूप में नियुक्ति करने की सिफारिश की जाती थी। मतलब भैया तजीब तजवीज किसी के रिगार्डिंग, यू नो ग्रीस दिपाम ऐसे के कुछ होता होगा। तो अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा शक्ति धन तथा उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया थी। सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के जरिए याचिका देता था जो बादशाह के सामने तजबीज प्रस्तुत करता था। अगर याचिकाकर्ता को सुयोग्य माना जाता था तो उसे मनसब प्रदान किया जाता था। मीर बख्शी उच्चतम वेतन दाता था। खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था, बादशाह के राइट साइड में खड़ा होता था मीर बख्शी तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था, जबकि उसका कार्यालय उसकी मोहर हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मोहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। केंद्र में 2 अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, दीवाने आला जो कि उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे और सदर उस सुदर मदद ए मास अथवा अनुदान का मंत्री, और स्थानीय जो जज थे अथवा काजियों की नियुक्ति का प्रभारी, ठीक है। ये तीनों मंत्री कभी कभी इकट्ठे एक सलाहकार नियम के निकाय के रूप में काम करते थे, लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट होते थे, इंडिपेंडेंट होते थे। अकबर ने इन तथा अन्य सलाहकारों के साथ मिलकर साम्राज्य की प्रशासनिक राजकोषीय और मौद्रिक संस्थाओं को आकार प्रदान किया। दरबार में नियुक्त तैनात रकाब अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। वे प्रतिदिन 2 बार सुबह व शाम को सार्वजनिक सभा भवन में बादशाह के प्रति आत्म निवेदन करने से के कर्तव्य से बंधे थे, मतलब वो डेली करते थे गुड मॉर्निंग गुड नाइट टाइप का। दिन रात बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वे उठाते थे। अब बात करते हैं सूचना और साम्राज्य क्या था। तो सटीक और विस्तृत आलेख तय करना मुगल प्रशासन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। मीर बख्शी दरबारी लेखकों के समूह का निरीक्षण करता था। ये लेखक की दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाली सभी अर्जियों और दस्तावेजों तथा सभी शासकीय आदेश जो भी फरमान होते थे उनका रूपरेखा तय करता था। इसके अलावा अभिजात और क्षेत्रीय शासक के प्रतिनिधि जो वकील थे, दरबारों की बैठक, पहर की तिथि और समय के साथ उच्च दरबार से समाचार, अखबार थे दरबार, इन सबके शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्रवाइयों का विवरण तय करते थे। कौन? ये लेखक। अखबारात में हर तरह की सूचना होती है जैसे कि दरबार में उपस्थिति कैसे होगी, पदोदान, मतलब भैया कि अगर कोई मतलब कि इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला तो इस इवेंट में क्या मिलेगा किसको, वो सब का डेटा रहता था अखबारात में, ठीक।
राजाओं और अभिजातों के सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन का इतिहास लिखने के लिए सूचनाएं बहुत उपयोगी होती हैं। समाचार वृत्तांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक के जरिए मुगल शासन के अधीन क्षेत्रों में से एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे। एक सेकंड, हाँ जी, तो समाचार वृत्तांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक के जरिए मुगल शासन के अधीन क्षेत्रों में से एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे, ठीक है। तो शाही डाक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बांस के डब्बों में लपेट कर रखे कागजों को लेकर हर कारों कसीद अथवा पथमार के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। आपको बता सकूं कैसे होता था, काफी दूर स्थित प्रांतीय राजधानियों से ये वृत्तांत बादशाह को कुछ ही दिनों में मिल जाया करते थे। राजधानी से बाहर तैनात अभिजातों के प्रतिनिधि अथवा राजपूत राजकुमार तथा अधीनस्थ शासक बड़े मनोयोग से इन उद्घोषणाओं की नकल दया करते थे। वे संदेश वाहकों के जरिए अपनी टिप्पणियां अपने स्वामियों के पास भेज देते थे। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य आश्चर्यजनक रूप से तीव्र सूचना तंत्र से जुड़ा हुआ था। केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन के बारे में बता रखा है कि केंद्र में स्थापित कार्य के विभाजन को सूबों में दोहराया गया था। यहाँ भी केंद्र के समान मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ दीवान बख्शी और सदर होते थे। प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर सूबेदार होता था। ये इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय शासन का गवर्नर कौन होता, सूबेदार, जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन बस प्रस्तुत करता था। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बंटा हुआ था, ठीक है। अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी, और इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। परगना क्या होता था, 22 डिस्ट्रिक्ट। परगना लेवल पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख होती थी। अर्ध वंशानुगत अधिकारी कानून को राजस्व आलेख का रखवाला चौधरी और काजी द्वारा की जाती थी। तो प्रोविंस का रखवाला कौन होता था, सूबेदार, ठीक है। फिर सरकार 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 किसकी नहीं चाह रही, देखो भाई जल्दी जल्दी देखो यार, फौजदारों की नीचे आती थी, फौजदार नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मिल खाती है। अच्छा, वो तो एरिया है। फिर परगना आता है, परगना बोलते हैं 22 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इन सबकी किससे होती थी, अधिकारी कानून को चौधरी और काजी द्वारा इनकी रखवाली की जाती थी। परगना की शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह, लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेश भाग और अन्य कर्मचारी होते थे जो टेक्निकल रूप से दक्ष अधिकारी थे। ये मानकीकृत नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करते तथा प्रचुर संख्या में लिखित आदेश व वृत्तांत तैयार करते थे। थोड़ा कला प्रारंभ कर रहा है। ओके, तो सर्वत्र फारसी को शासन की भाषा बना दिया गया, फारसी को लैंग्वेज ऑफ द रूलिंग, लेकिन ग्राम लेखा के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होता था। मुगल इतिहासकारों ने प्रायः बादशाह और उसके दरबार का ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए प्रदर्शित किया है। इस प्रक्रिया का तनाव मुक्त रहना असंभव सा था ही, स्थानीय जमींदारों और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच के संबंध कई बार संसाधनों और सत्ता के बंटवारों को लेकर संघर्ष का रूप ले लेते थे। जमींदार प्राय राज्य के खिलाफ किसानों का समर्थन संगठित करने में सफल रहते थे। सीमाओं के परे क्या आता था कि इतिवृत्तों के लेखकों ने मुगल बादशाह द्वारा धारण की गई कई गुंजायमान पदावधियों को सूचीबद्ध किया है। इनके अंतर्गत शहंशाह, राजाओं का राजा यानी कि ऐसी सामान्य पदवियां, अथवा जहांगीर जो कि विश्व पर कब्जा करने वाला, अथवा शाहजहां यानी कि विश्व का राजा, जैसे अलग अलग राजाओं द्वारा अपनी अपना एक खास उनके टाइटल्स थे वो शामिल थे। मुगल बादशाहों के अभिजित क्षेत्रीय व राजनीतिक नियंत्रण के दावों को दोहराने के लिए इतिहासकार प्राय इन पदवियों और उनके अर्थों का हवाला देते थे, लेकिन यही समसामयिक इतिहास पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों के साथ राजनयिक रिश्तों और संघर्ष का विवरण देते हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय हितों की वजह से कुछ तनाव और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का पता चलता है। सफावी और कंधार की बात करते हैं तो मुगल राजाओं तथा ईरान व तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक व राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान व सेंट्रल एशिया के क्षेत्रों से अलग करने वाले हिंदुकुश पर्वतों द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर डिपेंड करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में आने को इच्छुक सभी विजेताओं को उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदू कुश को पार करना होता था।
मुगल नीति का ये निरंतर प्रयास रहा था कि सामरिक महत्व की चौकियों विशेषकर काबुल व कांधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरे से बचाए बचाए किया जा सके। नॉर्थ पे लगा दी थी, ठीक है, मुगल नीति का ये उनकी मतलब पॉलिसीज थी। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ था, वेरी इंपॉर्टेंट। ये किला नगर हारंग में हुमायूं के अधिकार में था, जिसे 1595 में अकबर द्वारा उसको दोबारा जीत लिया गया। और सफावी दरबार ने हालांकि मुगलों के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए, तथापि कंधार पर यह दावा करता रहा, ठीक है। तो 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने की वकालत करने के लिए राजनयिक दूत भेजा, लेकिन यह शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। और 1622 की कोल्ड जो मतलब शीत ऋतु थी, कोल्ड विंटर में एक फारसी सेना ने कंधार पर घेर डाल दिया। मुगल रक्षक सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी, अतः वह हार गई और उसे किला और नगर सफावियों को सौंपने पड़े थे। यहाँ पे दे रखा है जहांगीर का स्वप्न क्या था। इस लघु चित्र के अभिलेख से पता चलता है कि जहांगीर ने हाल ही में देखे गए एक स्वप्न को अबुल हसन से चित्र में उतारने के लिए कहा। अबुल हसन ने इस दृश्य में दो शासकों जहांगीर और सफाफी शाह अब्बास को मित्रवत गले लगाते हुए प्रदर्शित करते हुए चित्र बनाया। दोनों ही राजाओं का चित्रण उनकी पारंपरिक पोशाकों में किया गया है, ये सब वगैरह बताया गया। ऑटोमन एम्पायर तीर्थ यात्रा और व्यापार के रिगार्डिंग कैसा था। ऑटोमन एम्पायर के साथ मुगलों ने अपने संबंध इस हिसाब से बनाए कि ऑटोमन कंट्रोल वाले क्षेत्रों में जो ट्रेडर्स हैं और जो भी ट्रेवलर्स हैं उनके स्वतंत्र आवागमन को बरकरार रखा सके। ये हिजाज अथवा ऑटोमन अरब के उस हिस्से के लिए विशेष रूप से जो ट्रू था, जहाँ मक्का और मदीना के इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल थे। इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में मुगल बादशाह आमतौर पर धर्म एवं वाणिज्य के मुद्दों को मिलाने की कोशिश करता था। वह रेड सी के बंदरगाह अदन, ठीक है, और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देता था और उनकी बिक्री से अर्जित आय को उस इलाके के धर्म स्थलों और फकीरों में दान में बांट देता था। हालांकि औरंगजेब को जब अरब भेजे जाने वाले धन का दुरुपयोग का पता चला तो उसने भारत में उसके सपितृण का समर्थन किया, क्योंकि उसका मानना था कि ये भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का। वाह यार, नाइस सोच। मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक आए थे भाई, यूरोप वाले आने लग गए थे। यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचार को यात्रियों व्यापारी और राजनयिक विवरणों से हुई। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने वृत्तांत हैं कि लिखा गए 15 सेंचुरी के लास्ट में भारत तक एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली व्यापारी ने तटीय नगरों में व्यापारिक केंद्रों का जाल स्थापित किया। पुर्तगाली राजा भी सोसाइटी ऑफ जीसस के धर्म प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में रुचि रखता था। 16 सेंचुरी के दौरान भारत आने वाले जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। यहाँ पर कुछ देखा कि बादशाह तक सुलभ पहुंच, तो पहले जेसुइट शिष्टमंडल का एक सदस्य मॉन्सेरेट अपने अनुभवों का विवरण लिखते हुए कहता है कि उससे अकबर से भेंट करने की इच्छा रखने वाले उससे यानी कि अकबर से मिलने वाले लोगों की इच्छा जो उनकी है, उनकी पहुंच इतनी सुलभ है कि इसके बारे में अतिशयोक्ति करना बहुत कठिन है। लगभग प्रत्येक दिन वह ऐसा अवसर निकालते हैं कि कोई भी आदमी अथवा बीजात उससे मिल सके और बातचीत कर सके। उससे जो भी बात करना आता है उन सभी के प्रति कठोर न होकर वह स्वयं को मधुरभाषी और मिलनसार दिखाने का प्रयास करता है। उसे उसकी प्रजा के दिलो दिमाग से जोड़ने में इस शिष्टाचार और भद्रता का बड़ा असाधारण प्रभाव है। खैर, यहाँ स्टार्ट करते हैं। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने को बहुत उत्सुक था। उसने जेसुइट पादरी को आमंत्रित करने के लिए दूत मंडल गोवा भेजा। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580s में पहुंचा और वहां लगभग 2 साल रहे। इन जेसुइट लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बातें की और इसके सदगुणों के विषय में उलमा से उनका वाद विवाद किया। लाहौर के मुगल दरबार में दो और शिष्टमंडल 1591 और 1595 में आए थे। जेसुइट विवरण व्यक्तिगत प्रेक्षणों पर आधारित है और वे बादशाह के चरित्र और सोच पर गहरा प्रकाश डालते हैं। सार्वजनिक सभाओं में जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के काफी नजदीक स्थान दिया जाता था। वे उसके साथ अभियानों में जाते, उसके बच्चों को शिक्षा देते तथा उसके फुर्सत के समय वे अक्सर उसके साथ होते थे। जेसुइट विवरण मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहास में दी गई सूचना की पुष्टि करते हैं। यहाँ पे दे रखा है
औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। तो जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति अकबर ने जो उच्च आदर प्रदर्शित किया उससे बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, तो ईसाई धर्म सिद्धांतों में बादशाह की स्पष्ट दिलचस्पी की व्याख्या उन्होंने अपने मत में बादशाह के धर्म परिवर्तन के संकेत में रूप में की। भाई बादशाह अपना धर्म बदल लें, तो इसे वेस्टर्न यूरोप में हावी धार्मिक असहिष्णुता के माहौल के प्रकाश में समझा जा सकता है। मॉन्सरेट ने टिप्पणी स्टेटमेंट दिया कि राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की कि सभी को उसके धर्म के अनुपालन की अनुमति देकर उसने वास्तव में तिरस्कार किया, मतलब कि डिसरिस्पेक्ट किया। तो धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं, जैन, पारसियों, ईसाइयों के बीच अंतर धर्मीय वाद विवादों को जन्म दिया। अकबर के धार्मिक विचार विभिन्न धर्मों व संप्रदायों के विद्वानों से प्रश्न पूछने और उनके धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से परिपक्व हुए। धीरे धीरे वे धर्मों को समझने के रूढ़िवादी तरीकों से दूर प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित दैवीय उपासना के स्वकल्पित विभिन्न दर्शन ग्राही रूप की ओर बढ़ा। हमने देखा कि अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया और राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसका उपयोग किया। इसमें दैवीय रूप से प्रेरित व्यक्ति को अपना लोगों पर सर्वोच्च प्रभुत्व तथा अपने शत्रु पर पूर्ण नियंत्रण होता है। हरम में होम, यह अब्दुल कादरी बदायूनी के मुतखाब उत तवारीख से कंस दिया गया है। एक धर्म विज्ञानी और दरबारी बदायूनी अपने नियुक्तों की नीतियों का आलोचक था और अपनी विषय वस्तु, ये पता कौन है, ट्रांसलेशन किया इसने महाभारत का, किसमें, फारसी में, और अपनी पुस्तक की विषय वस्तु को ये बहस सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। युवावस्था के आरंभ से ही महामहिम अपनी पत्नियों अर्थात हिंद के राजाओं की पुत्रियों के सम्मान में हरम में होम का आयोजन कर रहे थे। यह ऐसी धर्म क्रिया है जो अग्नि पूजा आतिश परस्ती से व्युत्पन्न नहीं, परंतु अपने 25th रूलिंग ईयर के नए वर्ष पर उसने सार्वजनिक रूप से सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम किया। शाम को चिराग और मोमबत्ती जलाए जाने पर सारे दरबार को आदर पूर्वक उठना पड़ा, सॉरी। तो ये हमारे चैप्टर था, ठीक है, हमारा खत्म होता है ये चैप्टर। अगर आप लोग अलग से पढ़ना है ना, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक करके। तो ये खत्म करते हैं, हमारा बुक नंबर 2 भी खत्म होता है। इसका बुक नंबर 3 है, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बुक चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन मैंने खुद दिए एग्जाम्स, तो आई नो यार, यहीं से क्वेश्चन आए थे और यहीं से आएंगे। तो प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे व्हाट कमेंट करो, व्हाट्सएप करो और व्हाट यूट्यूब पे कमेंट कर दो, या फिर यही नाम सर्च करो आप, चलो ऑफिसर बनते हैं टेलीग्राम पे और जुड़ जाओ उसमें। आपको मैं डेटा इस पे भेजता रहता हूँ, पीडीएफ वगैरह, वो आपको मिलते रहेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।